आप सभी को पता है कि हमारे देश में कई सारी ऐसी योजनाएं बनाई गई हैं जिसमें जीरो बैलेंस बचत खाता, आवास योजना, ई श्रम कार्ड, लेबर कार्ड, इसी के साथ बहुत सारी कृषि सम्मान योजना, बहुत सारी योजनाओं को जोड़ा गया था, बहुत सारी योजनाओं को बनाया गया था। पर अब आपको बता दें कि तीन योजनाओं को एक साथ जोड़ने की बात कही जा रही है। ई श्रम पोर्टल पर अब आवास योजना को भी जोड़ने की बात निकलकर सामने आई है। अगर आप अलग से आवास योजना में फॉर्म भरते हैं, अगर आपका कच्चा मकान है, अगर आप किसी किराए के मकान में रहते हैं, तो आपको आवास योजना के तहत मात्र 55,000 रुपये की धनराशि दी जाएगी। ये धनराशि पहले 75,000 रुपये थी। अगर आप अलग से फॉर्म फिलअप करते हैं तो आपको तीन किस्तों में 75,000 रुपये की धनराशि भेजी जाने की, पर अब इस धनराशि को कम करके 55,000 रुपये कर दी गई है। पर अगर आप ई श्रम पोर्टल के तहत आवास योजना में हिस्सा लेते हैं तो आपको पहली किस्त 1,86,000 की मिलेगी, दूसरी किस्त भी आपको 1,90,000 की दी जाएगी और वही तीसरी किस्त आपको 1,00,000 रुपए की दी जाएगी। बता दें कि ई श्रम पोर्टल पर ये अब तक की सबसे बड़ी योजना निकल कर सामने आई है। इसे 15 अप्रैल को ही लागू किया गया है और इस आवास योजना को जो है उसे सिर्फ 6 महीने तक ही वैलिड रखा गया है। अगर आप 6 महीने के अंदर आवास योजना में हिस्सा लेते हैं तो आपको ढेर सारी योजनाओं का लाभ मिलने के साथ साथ आपको कुल मिलाकर 5,00,000 रुपये की धनराशि तक प्राप्त हो सकती है। दोस्तों, अगर आप भी आवास योजना में हिस्सा लेना चाहते हैं, अगर आपका भी सचमुच कच्चा मकान है, अगर आप भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं अपना एक पक्का मकान, तो आप भी सरकारी योजना से जुड़कर इस योजना में हिस्सा लेकर आप अपना कच्चे मकान से पक्के मकान तक का सफर तय कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आज की ये जानकारी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी और आपके जीवन में ये जानकारी काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल भी होगी। दोस्तों, हमें वीडियोस बनाने में बहुत मेहनत लगती है, ऐसे में अगर आप एक सब्सक्राइब कर देते हैं हमारे चैनल को तो हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। आपका कीमती समय देने के लिए हमें धन्यवाद।